जा।
सद्गुरुदेव की जय। स्वागत में आपके हम ये गीत सुनाते हैं, हे देव गुरुवर देव पलकों में बिठाते हैं, हे देव गुरुवर देव पलकों में बिठाते हैं। स्वागत में आपके हम ये गीत सुनाते हैं। But
हलकों में बिठाते हैं, हे देव गुरु वर देव पलकों में बिठाते हैं, स्वागत में आपके हम ये गीत सुनाते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। चरणों में गुरुवर के करते हैं वंदना, चरणों में गुरुवर के करते हैं वंदना, स्वीकार दीपक जला दिया और
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। मंगलमय संत समाज, काफ़ी दूर दूर से संत और भक्तों का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। संत श्री धर्मेंद्र साहब जी इलाहाबाद से, गुरुभूषण साहब जी सूरत से, श्री ज्ञान साहब जी करखड़ी से एवं सभी संत इलाहाबाद, नौपारा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, भक्तों और संतों का एवं साधवियों का यहाँ पर बहुत श्रद्धा और बहुत भाव लेकर के यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। गुरुभक्त प्रेमी सेवक गुरु पुजारी गुरु बाबू जी, बाबू गुरु जी, और ये कार्यक्रम 2-3 साल के पहले 1915 में भी रखा था और ये कार्यक्रम इस वर्ष भी रखा गया है और हम उसको बार बार लाख लाख धन्यवाद देते हैं। ऐसे कार्यक्रम रख करके, खर्च करके, काफ़ी तन से मन से समर्पित रहते हैं और संतों को, भक्तों को बुला करके इस नगर का गौरव को बढ़ाने का काफ़ी प्रयास किया है। मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। वैसे संत समाज कबीर मठ है साली बंडा रूपलाल बाजार में, वैसे कबीर जयंती 17 जून को मनाया जाएगा। आप सबको आमंत्रित है, संत और भक्तों को, सभी को जहाँ तक हो सके आप पधारने का कष्ट करेंगे। और इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय। बहुत बहुत आभार पूज्य श्री साहेब जी, बहुत संक्षिप्त में अपने विचार रखे और अब बिना किसी प्रकार देरी किए मैं करखड़ी गुजरात कबीर आश्रम से पधारे हुए पूज्य श्री ज्ञान साहेब जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्य श्री साहेब जी। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए वीरद विवेक संपन्न श्रद्धेय श्री साहेब जी, कबीर पारक संस्थान सूरत से पधारे हुए सद्गुण संपन्न अध्यक्ष श्री गुरुभूषण साहेब जी, आप हैदराबाद आश्रम से पधारे हुए श्री बोधपुरी साहेब जी, विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए सभी श्रद्धेय संत गुरुजन, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, कार्यक्रम का शुभारंभ संत सम्राट सुर कबीर साहब की वाणी बीजक पाठ से हुआ, तत्पश्चात भजन। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के मौलिकृत बीजक, बीजक में आपने कहा अच्छा जन्म बनाओ। संपूर्ण मानव जात के नर नारियों के लिए संत सम्राट सुर कबीर साहब ने एक शाश्वत संदेश दिया है कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आज आदमी चीज़ों को अच्छा बना रहा है, बहुत अच्छा है, किंतु साथ साथ जीवन को अच्छा बनाए तो जीवन में सुख और समृद्धि दोनों का आनंद प्राप्त हो। अगर मनुष्य अपने जीवन को अच्छा बना ले तो संसार में सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीने का सौभाग्य आदमी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सद्गुरु संतों का बहुत बड़ा उपकार है, उन्हें सुंदर दिशा देकर, प्रेरणा देकर, एक आदर्श जीवन जी करके उन्हें बताते हैं कि आप भी अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इस कार्यक्रम के मूल में
ये शुरुआत है। यदि आदमी अच्छा रहेगा तो घर परिवार समाज देश विश्व की अनेक समस्याओं का स्वस्थ समाधान होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कार्यक्रम के आयोजक बाबा गुरुजी को और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत साधु समाज की ओर से धन्यवाद शुभकामनाएं। बोलिए धन गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें पूज्य श्री साहेब जी। कबीर आश्रम करखड़ी बड़ोदरा गुजरात से पधारे श्रद्धे श्री ज्ञान साहेब जी, विभिन्न आश्रमों से पधारे संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमारा जीवन भौतिक और आध्यात्मिक दो तत्वों के मेल से खड़ा हुआ है। दोनों में से हम किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोनों में से किसी को नज़रअंदाज किए तो जीवन अधूरा और एकांगी रह जाएगा। जीवन के दो क्षेत्र हैं, एक व्यवहार का, एक परमार्थ का। दोनों को हमें संभालने की आवश्यकता है। साथ साथ हम सब ये भी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जीवन पर्यंत वह सर्वथा अकेला रह नहीं सकता है, चाहे घर परिवार में रहे, चाहे घर परिवार छोड़कर साधु समाज में रहे। कुछ लोगों के बीच ही आदमी का जीवन गुजर होता है, तो जिन लोगों के साथ रहना होता है उनके साथ भी हमारा व्यवहार प्रेमपूर्ण कैसे हो, साथ साथ काम करते हुए हम मानसिक शांति का अनुभव कैसे करें, हमारी पारिवारिक एकता सामाजिक एकता बनी रहे, मानसिक शांति भी अक्षुण बनी रहे, और अंत में हम पूर्ण मानसिक दुखों से छुटकारा पा सकें, अध्यात्म की परम ऊंचाई तक ऊपर उड़ सकें। इसके लिए सद्गुरु कबीर ने बहुत संक्षिप्त में हमें बता दिया है, रहु संहारे राम बिचारे। अपने को संभाल करके रखो और राम का विचार करते रहो। यदि हम अपने खान पान और आहार विहार को संभाल लें, इन पर संयम रख लें, तो हम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहेंगे। खान पान और आहार विहार में असंयम होने पर ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हम भौतिक उन्नति नहीं कर सकते। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो सेवा और साधना का हम काम नहीं कर सकते, और न भौतिक उन्नति हुई न सेवा साधना बनी तो जीवन बेकार चला जाएगा। साहब कहते हैं, अपने खान पान और आहार विहार को संभालोगे तो शरीर से स्वस्थ रहोगे, अपनी जबान को अपने मन के आवेगों को संभालोगे तो लोगों से गलत बात नहीं बोलोगे, गलत बात नहीं बोलोगे तो पारिवारिक कलह नहीं होगा, परिवार में कलह नहीं होगा, परिवार में अपने आप एकता और शांति बनी रहेगी। यदि हम मन के विकारों को संभाल लें तो मन में अशांति नहीं होगी, तनाव नहीं होगा, दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा। हमारे सारे दुख, हमारी सारी चिंता, सारे भय, मानसिक तनाव और अशांति का मूल कारण है हमारे मन के आवेग, हमारे मन की उत्तेजना। इनको हम संभाल लेते हैं तो हमारा मन तनाव से, भय से, चिंता से और अशांति से मुक्त रहेगा। हर समय हम प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सकेंगे।
इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं रहु संहारे, अपने आप को संभाल करके रखो, हर जगह हर समय हर क्षेत्र में। संभाल कर रखने का अर्थ होता है सावधानी पूर्वक काम करना, और ये सब जानते हैं कि सावधानी ही साधना है, और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हर क्षेत्र में बोलते समय थोड़ी सी सावधानी घट गई, हम कुछ का कुछ बोल जाते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं, दूसरों को क्लेश होता है। खाते समय सावधानी थोड़ी सी घटी, ज़्यादा खा लेते हैं, गलत खा लेते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं। सोचते समय सावधानी हटी, हम कुछ का कुछ निगेटिव सोच लेते हैं, नकारात्मक सोच लेते हैं, ईर्ष्या देश की बात सोच लेते हैं, मन की शांति खत्म हो जाती है। इसलिए हर समय अपने को संभालना है, हर समय सावधान रहना है, और हर समय जागृत होकर के जीवन व्यतीत करना है। न व्यवहार मूलधन आएगी, न मन में अशांति रहेगी, और पूर्ण दुख निवृत्ति चाहते हैं, हमारा भटकाव दूर हो, जीवन स्थिरता आए। तो जब अपने को संभाल कर हम राम का विचार करेंगे, आत्मचिंतन का काम करेंगे, और इस बात समझ में आ जाएगी ये शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर में रहने वाला एक ऐसा तत्व है जिसे हम राम चेतन जीव आत्मा कहते हैं, वह मुख्य है और वह मुझसे अलग नहीं है, किंतु मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। जिस परम तत्व को, जिस ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को, मोक्ष या कैवल्य निर्वाण को पाना चाहते हैं, वह मुझसे अलग नहीं है किंतु मेरा अपना आपा है। ऐसा समझकर जब हम अपने मन को अंतर्मुख कर लेते हैं, आत्मलीन करके आत्मस्थित हो जाते हैं, तो अनादिकाल के जो भवचक्र में हम भटक रहे हैं, वो भवचक्र में भटकना समाप्त हो जाता है। और भवचक्र में समेत भटकना समाप्त हुआ तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। जैसा हमारा स्वरूप शुद्ध बुद्ध कृतार्थ है, वैसे हम सदा के लिए शुद्ध बुद्ध कृतार्थ हो सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर थोड़े में कहते हैं रहु संहारे राम बिचारे, हर जगह अपने को संभाले, तन को, मन को, वचन को, जितने पूरा संभाल लिया पूरा जीवन उसका सुखद हो जाता है, शांति में हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, और आत्मलीन हो गए हमारा भटकाव बंद हो जाता है। व्यवहार और परमा दोनों सद करके जिसके लिए मानव जीवन मिला है वह काम पूरा हो जाता है, पूर्ण दुख निवृत्ति का। यही काम हमें करना है, यही सदगुरु कबीर का और यही दुनिया के सभी संतों का हमारे लिए आदेश है, उनके बताए रास्ते पर चलें, व्यवहारिक और परमार्थिक उन्नति करते हुए मानव जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं वचनों के साथ इस समय अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। उत्साह बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है, चलो जोर से बोले आप लोग, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। और अब समापन में हम सब आरती करेंगे। हाँ, जब तक आरती की तैयारी करें मैं कार्यक्रम की विधिवत सूचना दूं। आप लोग जलाएं, आरती गाएंगे गुरशरण जी। कल 6 बजे से 8 बजे तक जरा आप लोग मेरी सूचनाओं को सुन लीजिए, मैं जो दे रहा हूँ। 6 बजे से 8 बजे तक हमारा योग और ध्यान का कार्यक्रम चलेगा, और योग प्रशिक्षक भिलाई छत्तीसगढ़ से श्री वेदराम साहू जी हम सबके बीच पधार चुके हैं, आप उनसे लाभ लें। सभी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हों, जो लोग आए हैं बाहर से और यहाँ शहर के लोग 6 बजे यहाँ उपस्थित, इसको जलाएं तब तक के, उधर ले जा जलाएं, वहाँ ले जा करके, मैं बोल देता हूँ फटाफट। ये रोज का कार्यक्रम है 6 बजे से 8 बजे तक, पहले योग जिसमें योगासन प्राणायाम और भी उनसे हम लोग काफ़ी कुछ सुनेंगे, और उसके बाद ध्यान भी होगा। हो गुरु आरती हो, साहेब वारती हो, आरती गरीब निवास साहेब।
सदगुरु।